एवरीवन, आज हम लोग क्लास प्लस वन का चैप्टर नंबर सेकंड रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 में क्या स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि अगर आपके पास कोई भी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, बट हम एक्सरसाइज 2.2 में बेसिकली हम जो आपकी एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है स्टूडेंट, रिलेशन पर बेस्ड है। ठीक है, कि रिलेशन क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन पे वर्क स्टडी कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, पहले इस लाइन को समझते हैं इसने क्या कहा है। देखो स्टूडेंट, जब भी आप रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन को हम ऑलवेज कैपिटल जो आपका लेटर आर होता है इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा रिलेशन है कहां से, फ्रॉम एक नॉन एम्प्टी सेट है ए से लेके टू नॉन एम्प्टी सेट बी तक, तो हमारा ए टू बी ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, रिलेशन मतलब फर्स्ट लाइन की जो है वो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। फिर उसने क्या कहा, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन होता है वो आप लोगों का सबसेट होता है। सबसेट किसका बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है आप लोगों का वो सबसेट होता है कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इसने क्या कहा, अब इसने कहा कि जो सबसेट होते हैं, ठीक है, द सबसेट इज डिराइव बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। कहने का क्या मतलब है, देखो जो आप लोग ए क्रॉस बी जिसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हो, जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है उसी के कुछ सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे बताते हैं। सपोज कर लो कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक हमारे पास सेट क्या है, 1 2 है, ठीक है, और सेकंड जो सेट है वो हमारे पास क्या है, 3 4 है। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कब निकलता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है। बना लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाता है स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। तो कैसे बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। देन सेम एज इट इज सेकंड किसके साथ होगा, सेकंड थर्ड होगा, और आपके पास सेकंड आपके पास क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसने ये कहा था कि जो आप लोगों के, इसने कहा फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। कहने का क्या मतलब था, मेरे कहने का मतलब था कि जब हम आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सोल्व किया, अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमारे जो सबसेट बनते हैं, ठीक है, इसी में से जो हमारे सबसेट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। जब हम ये सबसेट की बात करते हैं, जिसके अंदर देखो ये टू फेसेस है, इसका मतलब होता है कि ये बड़ा सेट है और ये जो है ये इधर जो होता है ये आपके पास क्या है, छोटा सेट है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ना, जैसे कि हम ये कह देते हैं कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, बी में मिलेंगे। तो मतलब बी जो होता है वो आपका बड़ा सेट होता है और जो आपका ए होता है वो छोटा सेट होता है। ठीक है, तभी तो इसके सारे के सारे एलिमेंट उसके पास जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने, अब ये रिलेशन पता चल गया होगा ना कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो उसी में से जो सबसेट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, आप लोगों के क्वेश्चन में ना डोमेन की बात की गई है, रेंज की बात की गई है, और किसकी बात करेगी है, कोडोमेन की बात की गई है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया, ठीक है, इसका जो फर्स्ट 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 और फर्स्ट
एलिमेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डोमेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डोमेन. जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन. तो यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट? वन और टू. देखो ये वन वन टू टाइम था, बट हम सेट में रिपीट नहीं करते ना, तो ये वन आ जाएगा यहाँ पे सिंगल, और सेम एज इट इज टू आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गई डोमेन की बात. अब हमारे पास स्टूडेंट आती है रेंज, कि रेंज क्या होती है. ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो तो डोमेन होता है, इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो स्टूडेंट, वो आप लोगों की क्या होती है? रेंज होती है. तो रेंज क्या बनेगी? थ्री और फोर, क्योंकि यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, थ्री है, यहाँ पे फोर है, रिपीट हो रहे हैं थ्री फोर, उसको हम वन टाइम ही लेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाती है? रेंज बन जाती है. ठीक है, अब आ गए हमारे कोडोमेन की बात. ठीक है, कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट? कोडोमेन की एक सिंपल सी बताती हूँ, कि जो आपका कंप्लीट सेट बी होता है, ठीक है, कंप्लीट सेट क्या होता है? बी. उसको हम क्या बोल देते हैं? कोडोमेन. क्या बोल देते हैं? कोडोमेन. तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो सेट है, ठीक है, कोडोमेन. कंप्लीट सेट हमारे पास बी क्या है स्टूडेंट? थ्री और फोर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा. ठीक है, अभी तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेट था वो जो था वो यही था कि ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे वो फर्स्ट के, तो फर्स्ट तो क्या होता है? डोमेन होती है. सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, और जो होल सेट होता है, जो बी होता है, सेकंड सेट होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोडोमेन बोल देते हैं. ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन पे वर्क करेंगे. अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन में डाउट आ रहा है, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपके डाउट कुछ क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो वर्क करते हैं. चलो, क्या है आपको गिवन, चेक कीजिए. आप लोगों को बोला हुआ है अ सेट ए. ठीक है, एक सेट आपके पास गिवन है, ए ए सेट गिवन है. उसके बाद उसने क्या कहा है? डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय, और आपको यहाँ पे रिलेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है. रिलेशन जो आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से बन के आता है ना, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि वो कैसे बन के आता है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास. इसने कहा कि जो रिलेशन है, बस जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए है. तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अभी हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया था. देखो रिलेशन यहाँ पे जो था वो यहाँ पे तो ए टू बी था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस वाले जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करे थे वहां पे ए टू बी लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसा है? ए टू ए है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए और टू ए ही लिखा है. ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए, आपको ए सेट किया गिवन है. हियर ए जो सेट है वो आपको वन टू थ्री अप टू सो ऑन आपके पास क्या है? फोर्टीन गिवन है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए. ठीक है, तभी तो आप उसके सबसेट्स निकाल पाओगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो ए टू ए जा रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ए टू ए ही बनेगा इसका. ठीक है, अब यहाँ पे सेट ए क्या है स्टूडेंट आपके पास? वन टू थ्री अप टू सेवन फोर्टीन का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? अगेन ए के साथ. तो वन टू थ्री अप टू सेवन आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फोर्टीन आ जाएगा. ठीक है, तो अब जैसे कि हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं? कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता है. तो वन किसके साथ बनाएगा? वन के साथ. फिर वन किसके साथ बनाएगा? टू के साथ. फिर वन किसके साथ बनाएगा स्टूडेंट? थ्री के साथ. ऐसे करते करते वन कहां तक चला जाएगा? फोर्टीन तक चला जाएगा, क्योंकि फोर्टीन जो है वो लास्ट आपके पास क्या है? सेट की नंबर है, तो वो सिर्फ फोर्टीन तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा. ठीक है, सेम एज इज टू आपके पास क्या होगा? वन, फिर टू टू, फिर आपके पास टू थ्री अप टू सेवन टू फोर्टीन हो जाएगा. ठीक है, ऐसे करते 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 कहां तक चले जाएंगे? फोर्टीन वन, फोर्टीन टू अप टू सो ऑन फोर्टीन आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्टीन हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना था वो हमारा यहाँ पे बन चुका है. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब आ जाते हैं अपने रिलेशन पर, क्योंकि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी में उसी के ही कुछ सबसेट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है. अब हम इसके सबसेट्स की बात करें ना, कि इसी में से ही कुछ पार्ट जो होगा वो आपका क्या बनाता है? रिलेशन बनाता है. तो इसको हम वर्क करते हैं कैसे आएगा. ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे रिलेशन को चेक करो, जो आपको रिलेशन डिफाइन है. ठीक है,
आप क्या कहोगे? हेयर आर. आर किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट? आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट A. ठीक है ना? उसने क्या कहा था? फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट है वो सेट A में से आ रहा है. तो हमारे यहाँ पे भी तो वही हो रहा है. आप फर्स्ट एलिमेंट की बात करो चाहे सेकंड एलिमेंट की बात करो तो सेट A में से ही आएगा आपका. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं रिलेशन इसका क्या बनेगा स्टूडेंट. अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो इसने क्या बोला है कि ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है. ठीक है, और आपको क्या बोला हुआ है? सच दैट इस टाइप से है कि 3x-y विच इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर निकालना है स्टूडेंट. कैसे निकाल सकते हैं? x की वैल्यू को पुट करो, y आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ठीक है, कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे चेक कर लेते हैं. देखो 3x-y विच इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना. हम क्या करते हैं 3x को यहाँ पे रख लें, ये नेगेटिव का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं x को 1 रख के देखते हैं. अगर x की वैल्यू, अब हमने रखनी भी कहाँ तक है आप चेक करो, फर्स्ट से लेके 14 तक रखना है आपको. ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास 1 है, x की वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 आ जाएगी. तो y कितना आ गया? 3 आ गया. ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ गया? 3. फिर सेम एज इट इज आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू को कितना पुट करके देखोगे? 2 पुट करोगे तो 3 × 2 y विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो मतलब y जो है तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 6 आ गया. फिर सेम एज इट इज आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, तो y हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया. फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर 4 पुट कर लिया. ठीक है, x को 4 रखा तो y कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 12 आ जाएगा. तो यहाँ पे 4 रखा, y कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया. फिर हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, y को 5 रख के देखा. ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 15. आप यहाँ पे चेक कीजिए y की वैल्यू वो 15 दे रहा, पर आप अपने क्वेश्चन में चेक करो जो सेट था वो उसके नंबर जो थे वो कहाँ तक थे? सिर्फ 14 तक थे ना, 15 तो नहीं है. इसका मतलब आप x की वैल्यू 4 तक स्किप, सॉरी x की वैल्यू 4 तक रहेगी और कितना हो जाएगा? 12. फिफ्थ तक जो आप जो अपना केस है x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप 5 लेते हो तो y की वैल्यू आपके पास 15 आती है, लेकिन वो 15 जो वैल्यू है वो हमारे सेट में नहीं मिलती, इसलिए हम उसको यहीं तक ही स्किप कर देंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने आए स्टूडेंट? x की वैल्यू 1 है तो y कितना है? 3. x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y कितना है? 6. x की वैल्यू 3 है तो y कितना है? 9. x की वैल्यू अगर 4 है तो y कितना आया स्टूडेंट? 12. तो अब आप ये चेक कीजिए. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस टाइप से आ गए हैं. ठीक है, इसको रिलेशन को जब हमने सोल्व किया x की वैल्यू को 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, रखने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको इस टाइप से मिल गया. अब हमारा क्या काम था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट बनता है, उसी में से कुछ ये जो आपका ए क्रॉस ए है ना, इसके ही सबसेट्स को हम क्या बोलते थे? रिलेशन बोलते थे. अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसके ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे. देखो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1 और 3, तो आपको ये मिल गया ना. इसका मतलब ये इसका क्या बन गया? सबसेट बन गया. नेक्स्ट चेक करो 2 और 6 है, यहाँ पे चेक करो 2, 3 है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2, 4 मिलेगा, 2, 5 मिलेगा, यहाँ पे 2, 6 भी मिलेगा. तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ से भी मिल गया. ठीक है, देन उसके बाद 3, 9, तो आप यहाँ पे चेक करो 3, 1 बनेगा, 3, 2 बनेगा, अप टू सोन, ऐसे ऐसे करते करते आपको कहीं ना कहीं 3, 9 मिल जाएगा ना, तो ये भी मिल गया. देन आप 4, 12 करोगे तो 4 ऐसे 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8 ऐसे करते करते आपको 4, 12 भी मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके ऑर्डर्ड, जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो उसमें से जो आपके सबसेट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. आपने चेक किया है ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं? ए क्रॉस ए में से ही मिले हैं. तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया, इसीलिए ये क्या है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब आप देखो, मैं आपको बता रही थी ना कि ये सबसे ये बड़ा सेट होता है, ये छोटा सेट होता है, आप खुद चेक कर सकते हो। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है एक रोज ए की, वो इतना बड़ा सेट है ना, और जो रिलेशन है वो आपका छोटा सा सेट बन के आया है, बना है ना। सिर्फ इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 4 हैं, लेकिन इसमें आप चेक करो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा सेट होता है, रिलेशन जो होता है वो छोटा होता है, और ये जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आपके जो है वो सबसेट्स बनते हैं, और वो सबसेट जो बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, आपको ये भी बताना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि डोमेन क्या होती है स्टूडेंट। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि डोमेन क्या होती है, जो भी आपका रिलेशन आएगा। देखो, अब आपने ये नहीं करना कि जो आपका ए क्रॉस ए आया उसके डोमेन को चेक करने लगो, नहीं, जो आपका रिलेशन आएगा, ये जो रिलेशन आएगा उसको सोल्व करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है कि डोमेन क्या है। देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, डोमेन। तो कितना जगह, 1, 2, 3 और 4, ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, डोमेन बन गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बताई थी आपको रेंज, कि रेंज क्या होती है, जो आपके सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12, तो ये सेकंड एलिमेंट हो गए, तो ये हमारी क्या बन गई स्टूडेंट, ये हमारी रेंज हो गई। अब हमने बताना है कोडोमेन के बारे में कि कोडोमेन क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि जो भी आप लोगों का सेट नंबर बी होता है, ठीक है, सेट नंबर बी, उस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, ए और बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे इसी के स्पेस पे तो हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है। तो बी हमारे पास कितना सेट गिवन है, 1 to 14, तो 1, 2, 3 up to 7, 14 तक हमारा जो है वो जो कंप्लीट सेट की हम बात करते हैं वो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, कोडोमेन हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसका जो रिलेशन की डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मतलब ऐसा लगेगा कि टिपिकल है, बट आप इसकी जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।